निकेतन स्कूल के हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आयुष कुमार कक्षा 5 ब का छात्र हूँ। मैं आप सभी के समक्ष महापुरुषों की कुछ सुक्तियाँ लेकर उपस्थित हूँ। करो अपनी भाषा से प्यार, करो अपनी भाषा से प्यार, जिसके बिना मुख रहते तो ते सब व्यवहार, जिसके बिना मुख रहते तो ते सब व्यवहार। मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है। महात्मा गांधी। नागरी वर्णमाला के समान सर्वांगपुर और वैज्ञानिक कोई दूसरी वर्णमाला नहीं है। नागरी वर्णमाला के समान सर्वांगपुर और वैज्ञानिक कोई दूसरी वर्णमाला नहीं है। बाबू राम विष्णु पराकर। जीवन के छोटे से छोटे क्षेत्र में हिंदी अपना दायित्व निभाने में समर्थ है। जीवन के छोटे से छोटे क्षेत्र में हिंदी अपना दायित्व निभाने में समर्थ है। पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदी हमारी भारतीय संस्कृति की अधिष्ठात्री है। हिंदी हमारी भारतीय संस्कृति की अधिष्ठात्री है। मैथिली शरण गुप्त। धन्यवाद। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं सचिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं ज्ञान निकेतन के कक्षा 5 ई का छात्र हूँ। हिंदी पखवाड़े कार्यक्रम के अंतर्गत आज मैं महापुरुषों की कुछ सुक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हिंदी सदियों विदेशी संस्कृति की आग में तप कर कुंदन बन गई है। हिंदी सदियों विदेशी संस्कृति की आग में तप कर कुंदन बन गई है। सियाराम शरण गुप्त। हिंदी भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की परिभाषा है। हिंदी भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की परिभाषा है। जयशंकर प्रसाद। हिंदी में विश्व की संपूर्ण संस्कृतियों की धारा प्रवाहित है। हिंदी में विश्व की संपूर्ण संस्कृतियों की धारा प्रवाहित है। स्वामी विवेकानंद। उच्च वर्ग की प्रिय अंग्रेजी हिंदी जन की बोली है। वर्ग भेद को खत्म करेगी हिंदी वह हमजोली है। उच्च वर्ग की प्रिय अंग्रेजी हिंदी जन की बोली है। वर्ग भेद को खत्म करेगी हिंदी वह हमजोली है। गिरजा कुमार माथुर। हिंदी भारतीय संस्कृति की अनमोल निधि है। हिंदी भारतीय संस्कृति की अनमोल निधि है। रामधरी सिंह दिनकर। नमस्कार। इस हिंदी पखाड़े में हमारा विद्यालय ज्ञान निकेतन विभिन्न कार्यक्रमों को ऑनलाइन आयोजन करवा रहा है। मैं कृष सिंह आपके सामने जयशंकर प्रसाद जी का कवि परिचय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में काशी के सराय गोवर्धन मोहल्ले में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। वे सुहानी साहू के नाम से विख्यात थे। प्रसाद जी ने काशी के क्वींस कॉलेज में 7वीं कक्षा तक शिक्षा पाई। इसके उपरांत उन्होंने पढ़ाई घर पर ही की। घर पर उन्होंने हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी का अध्ययन किया। इनकी पहली रचना 9 वर्ष की अवस्था में बतलाई जाती है। पहले ये कला घर नाम से लिखते थे, बाद में प्रसाद उपनाम का प्रयोग करने लगे। प्रसाद जी गंभीर स्वभाव के सहृदय और संकोचशील व्यक्ति थे। वैदिक धर्म में उनकी दृढ़ आस्था थी। प्रसाद के पिता काव्य प्रेमी थे। इस परिवेश के का प्रभाव प्रसाद जी पर भी पड़ा। प्रारंभ में इन्होंने ब्रज में लिखा। ऐसी रचनाओं का संकलन चित्राघार में पाया जाता है। आगे चलकर इन्होंने खड़ी बोली को अपनाया और जीवन भर उसकी संवर्धना में लगे रहे। उस समय के बड़े बड़े साहित्यकारों से इनकी काफी घनिष्ठता थी। जीवन के अंत में यक्षमा रोग से पीड़ित होने के कारण 1937 में इन्होंने इस संसार से विदा लिया। केवल 48 वर्ष की आयु पाकर भी वे 27 ग्रंथों की रचना करने में सफल रहे। इनमें काव्य, नाटक,
उपन्यास, कहानी और निबंध जैसे सभी महत्वपूर्ण विद्या सम्मिलित है। इनको छायावाद जैसे प्रमुख काव्य आंदोलन का संस्थापक कवि माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: करुणालय, आंसू, झरना, प्रेम पथिक, लहर, कामयानी इत्यादि। कामयानी 20वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। इसमें एक विराट सामंजस्य की सनातन गाथा है। इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है उसमें व्याप्त उपात्र स्वर। धन्यवाद। नमस्कार, इस हिंदी पखवाड़े में हमारा विद्यालय ज्ञान निकेतन विभिन्न कार्यक्रमों का ऑनलाइन आयोजन कर रहा है। आज मैं उज्ज्वल आनंद आपके समक्ष श्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी का कवि परिचय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 1904 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था, जो कि निहालपुर मोहल्ले के निवासी थे। 1919 ईस्वी में सुभद्रा जी का विवाह ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। दोनों ही एक समान राष्ट्रीय विचारों के थे। सुभद्रा जी को काव्य प्रेरणा अपने पिता जैसे ही प्राप्त हुई, लेकिन पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी के प्रोत्साहन से उनके प्रतिभा चमक उठी। इनकी पहली रचना 1915 ईस्वी में प्रयाग की मर्यादाएं प्रकाशित हुई थी। राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने के कारण सुभद्रा कुमारी कई बार गिरफ्तार हुई थी। 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय कवि तो उनके जैसे बहुत हुए, पर सुभद्रा कुमारी जैसी बड़ी भाव की कवित्री में 1948 ईस्वी में मोटर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी कविता देश अनुराग की कविता है। इनकी रचनाएं के शीर्षक होते थे झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति, जालियांवाला बाग में बसंत, झांसी की रानी आदि। इनकी बड़ी भाव व्यंजन कविताओं को पढ़कर नई स्फूर्ति प्राप्त होती है। झांसी की रानी कविता 1857 ईस्वी के सशस्त्र विद्रोह का चित्र प्रस्तुत करने वाली बीरसपूर्ण रचना है। आज भी यह कविता अनेक सहप्रेमियों को कंठस्थ है। इसका ओज भाषा और हद तक सीमित ना रहकर कविता की आत्मा में व्याप्त है। इन्होंने बहुत कम लिखा है, परंतु काव्य में गहरी आत्मानुभूति और इसकी सहज प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए लोग इन्हें सदैव स्मरण किया जाएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय। नमस्कार आदरणीय शिक्षक गण एवं मित्रगण, मैं अनिकेत कक्षा तृतीय का छात्र हूँ। आज मैं आप सबके सामने हिंदी दिवस के अवसर पर एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हिंदी 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 नारा है, हिंदी मेरी भाषा है, हिंद का रहने वाला मैं बसिंदा, हिंदी पर मुझे अभिमान है, जिसकी भी पड़े गंदी नजर, हिंद का होगा उस पर प्रहार, ना समझना मुझे अकेला, सारा विश्व करे इसका सम्मान है, हिंदी हिंदी नारा है, हिंदी मेरी भाषा है। धन्यवाद। नमस्कार आदरणीय शिक्षक गण एवं मित्रगण, मैं प्रज्वल कक्षा 4 का छात्र हूँ। हिंदी पखवाड़ा में मैं एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसने जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया हो, ऐसी काल जय भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं पुष्कर शिवम कक्षा 4C में पढ़ने वाला छात्र हूँ। मैं ज्ञान निकेतन बॉय स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरी प्रवेश संख्या 7906 है। मैं हिंदी पखवाड़ा काव्य पाठ 2020 और 21 में होने वाले प्रतियोगिता का प्रतिभागी हूँ।
मैं आप लोग के सामने मैं अपनी एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मातृभूमि। मातृभूमि भारत से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है, देश धर्म के आगे होता कोई वर्ग नहीं है। अलग अलग भाषाएं लेकिन वाणी सबकी एक है, नदियों की कलकल में बहता पानी सबका एक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कुछ फर्क नहीं है, देश धर्म के आगे होता कोई वर्ग नहीं है। धन्यवाद। मैं अर्णव प्रताप सिंह कक्षा 2 का छात्र हूँ। आज हिंदी दिवस पर आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है हिंदी हमारी ज्ञान है। हम हिंदी, हिंदी हम सबका अभिमान है, सारी भाषाएं प्यारी पर हिंदी हमारी ज्ञान है। जन्मे हिंदी मन में हिंदी, हिंदी हर ग्राम में हिंदी का उपयोग कर हम अपने हर एक काम में। एक सुर है, एक ताल है, एक हमारी तान है, सारी भाषाएं प्यारी पर हिंदी हमारी जान है। राजभाषा है, ये हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक है, हिंदी का विरोध करना क्या ये बात ठीक है। हिंदी को जो निंदा करता है अब तक नादान है, सारी भाषाएं प्यारी पर हिंदी हमारे जान है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण करे सिर्फ हिंदी में बातें, सारे विश्व में फैले हिंदी ये हम सबका मान है। सारे विश्व में पहले हिंदी ये हम सबका मान है, सारी भाषाएं प्यारी पर हिंदी हमारे जान है। जय हिंदी, जय भारत। नमस्कार, मैं इंतजार रहमान ज्ञान निकेतन विद्यालय से कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी को अपनी हास्य कविता के द्वारा हंसाने एवं गुदगुदाने के लिए उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी हास्य कविता पसंद आएगी। जो ग्लास में बने मॉनिटर को रीशान दिखाते हैं, आता जाता कुछ भी नहीं बस हम पर रोक जमाते हैं। जब क्लास में टीचर नहीं तो खुद टीचर बन जाते हैं, कॉपी पेंसिल लेकर बस नाम लिखने लग जाते हैं। खुद तो हमेशा बातें करें हमें चुप करवाते हैं, अपनी तो बस गलती माफ हमें बड़ी चढ़ाते हैं। क्लास तो संभाल पाते नहीं बस चीखते और चिल्लाते हैं, भगवान ही बचाए इन मॉनिटर से हम इन्हें नहीं चाहते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार ज्ञानिकेतन विद्यालय से कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। मैं यहाँ आपके लिए हास्य कविता लेकर उपस्थित हूँ। एक नए अखबार वाले सर्वे कर रहे थे, मैंने कहा मैं भी खूब अखबार लेता हूँ। जागरण भास्कर केसरी और हरी भूमि, हिंदी हो या अंग्रेजी सबका सच्चा क्रेता हूँ। पत्रकार बोला इतनों को कैसे पढ़ते हैं, मैंने कहा ये भी बात साफ कर देता हूँ, पढ़ने का तो कोई भी प्रश्न ही नहीं है, मैं कबाड़ी हूँ पुराने तोल कर लेता हूँ। एक हास्य कवि जी के पास एक नेता आया, बोला हंसाने की कला हमें भी सिखाइए। कवि ने कहा कि योगासन है अलग, मेरा सुबह सुबह 4 घंटे आप भी लगाइए, बुद्धि तीव्र हो जाएगी, नाचने लगेगा मन, सीख लीजिए ना व्यर्थ समय गवाइए। नेता जी ने कहा कवि राज बतलाओ योग, कवि बोला यहाँ आके मुर्गा बन जाइए। जीवन का किसी क्षण का कोई भी भरोसा नहीं, जोखिम ना आप यूं अकेले उठाइए, सबसे सही है राफेल आए खड़ी है बा, बीमा कंपनी को इस जाल में फंसाइए। पति पत्नी से बोला फायदा का सौदा है ये, प्रिया आप भी जीवन बीमा करवाइए। पत्नी बोली करवा रखा है अपने जनाब, उससे कोई फायदा हुआ हो तो बताइए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रियांशु पीयूष कक्षा 8 का छात्र, इस हिंदी दिवस के अवसर पे आप सबों के समक्ष एक हास्य रस कविता लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है दया। भूख में होती है कितनी लाचारी, भूख में होती है कितनी लाचारी, ये दिखाने के लिए एक भिखारी लॉन की घास खाने लगा, घर की मालकिन में दया जगाने लगा। दया सचमुच जागी, मालकिन आई भागी भागी, क्या करते हो भैया, भिखारी बोला भूख लगी है मैया, अपने आप को मरने से बचा रहा हूँ इसीलिए घास ही चबा रहा हूँ। मालकिन ने आवाज में मिश्री घोली और ममता मई होकर बोली कुछ भी हो भैया ये घास मत खाओ, मेरे साथ अंदर आओ। दमदमाता ड्राइंग रूम जगमगाती लॉबी, ऐशो आराम के सारे ठाठ नवाबी,
फलों से लदी खाने की मेज, और जब किचन से आई महक बड़ी तेज, तो भूख बजाने लगी पेट में नगाड़े, पर मालकिन ले आई उसे घर के पिछवाड़े। भिखारी भौचक्का सा देखता रहा, भिखारी भौचक्का सा देखता रहा, मालकिन ने और प्यार से कहा, नर्म है, मुलायम है, कच्ची है, इसे खाओ भैया, बाहर वाली घास से ये घास अच्छी है। धन्यवाद। सुप्रभात, आज मैं सुधांशु रंजन, कक्षा 8 का छात्र, आपके समक्ष एक छोटी सी हिंदी हास्य रस की कविता लेकर उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, आपने कभी वीर रस के कवि के बारे में सुना है? नहीं तो मैं उनकी पहचान बता देता हूँ। वीर रस के कवि आते हैं और इतनी जोर से चीखते हैं कि लोग घबरा के ताली बजा देते हैं। अच्छा, किसी किसी की तो कविता में भी कोई बात नहीं होती। पिछले दिनों एक वीर रस के कवि को सुन रहा था, आते ही चिल्ला, मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूँ। मैंने सोचा, यार ये पत्थर और पाषाण तो एक ही चीज है, ये बना क्या सकता है? मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूँ, मैं मानव को इंसान बना सकता हूँ, मैं मरघट को शमशान बना सकता हूँ, मैं ईश्वर को भगवान बना सकता हूँ। दोस्तों, कारगिल में लड़ाई छिड़ी हुई थी, जगह जगह वीर रस के कवि सम्मेलन हो रहे थे। अच्छा, मेरे मोहल्ले में भी हुआ। मेरे मोहल्ले वालों को तो कोई ढंग का कवि मिला नहीं वीर रस का। पता नहीं कहाँ कहाँ से 50-60 कवि पकड़ कर लाए। जो भी सड़क पर मूछो वाला आदमी दिखाई देता, बोलते, भाई तू वीर रस का कवि लग रहा है, आजा मंच पे बैठ जा। मैं उस सम्मेलन को सुन रहा था। मैं सुनकर आया और मेरी एक हास्य रस की कविता बन गई। मैं सीधा सीधा आपको उस कविता से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। कारगिल युद्ध पर वीर रस का कवि सम्मेलन था, मंच के थे बहुत ही ठाट बाट, वीर रस के कवि थे लगभग 60। मैं खुश हुआ, 60 कवियों की पूरी प्लाटून, भाई क्या बात है, आज की रात तो पाकिस्तान के लिए कहर की रात है। फिर आशंकित हुआ, 60 कवि, वो भी एक ही रस के, भगवान बचाए, जो लड़ाई आज इनकी पाकिस्तान से होनी है वो कहीं आपस में ही ना छिड़ जाए। अच्छा, 7-8 कवि ने तो कर रखा था संचालक का घेरा, एक कवि बोला देते हुए, मूछो पताओ, पहले मैं जाऊंगा कविता सुनाने, क्योंकि पहले ही किसी ने अगर पाकिस्तान निपटा लिया तो मैं क्या बाद में झुंझुना बजाऊंगा। पर कवियों ने श्रोताओं में ऐसा जोश भर दिया, पहले कवि के कविताओं की बमबारी ने पाकिस्तान को अजमरा कर दिया, पूरा मंच बन गया था बंकर, सभी कोसने लगे पाकिस्तान को जमकर, पर एक कवि अभी भी पुराने जमाने में झूम के नशे में झूम रहा था, मिसाइलों के युग में पाकिस्तान के खिलाफ तलवार लिए घूम रहा था। एक कवि ने पाकिस्तान को बंदूक से तो एक ने तोप से उड़ाया, एक कवि तो शायद अर्थशास्त्री था, इकोनॉमिस्ट था, एक भी पैसा नहीं खर्च किया, पूरे पाकिस्तान से फूक से ही उड़ा दिया। अब जो कवि आया उसने अपना एक हाथ कमर पे रखा इस तरह से, एक हाथ एक दिशा में उंगली करके उठाया इस तरह से, और जोर से चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान, सुन ले। मैं चकराया, भाई ये क्या क्लेश है, जिस दिशा में ये कवि उंगली कर रहा है उस दिशा में तो बांग्लादेश है। वीर रस का कवि आया भाई इस बार भाई साहब, वो करीब होगा 15 किलो का। अच्छा, इतना पतला दुबला कवि कविता पढ़ रहा था, तो श्रोताओं में से एक बोला, भाई कौन खड़ा है, भाई कौन खड़ा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, मुझे तो लगता है माइक खुद ही कविता पढ़ रहा है। उसके बगल वाला श्रोता बोला, लगता है तू भी गच्चा खा गया है, अब एक कवि तो खड़ा हुआ है लेकिन माइक की डंडे की ओट में आ गया है, ये दिखता कैसा है जरा पता लगाओ। उसकी बगल वाला श्रोता बोला, किसी के घर पे पड़ी है तो दूरबीन उठा लाओ।
एक श्रोता वाकई में दूरबीन लेकर आ गया। उससे देखते हुए बोला, बाप रे ये कवि है या उसका एक्सरे? अचानक वो कवि बड़ी जोर से थरथराया। श्रोताओं में से एक बोला, लगता है मिर्गी का दौरा आया। एक श्रोता बोला, जूता सुंघाओ। दूसरा बोला, गरम गरम दूध पिलवाओ। तीसरा बोला, तू किस टेंशन में है, गौर से देख उसकी पैकेट, देख उसका मोबाइल वाइब्रेशन में है। धन्यवाद। हिंदी मेरे प्राण में नस नस में धड़क रही है, यह हृदय की गति है, माँ भारती की वाणी की शक्ति है। मैं अयन आदित्य गिरी, विज्ञान संकाय का छात्र, गुरुजनों और गुरु माताओं को चरण स्पर्श, मित्रों को नमस्कार और अनुजों को शुभ आशीर्वाद। कोरोना जैसी वैश्विक आपदा के दिनों में हमारे विद्यालय प्रबंधन ने हिंदी पखवाड़ा का आयोजन कर हिंदी के प्रति जो प्रेम और अपनापन दिखाया है, स्मरणीय है। ज्ञान निकेतन परिवार के आप सभी को मैं अपने मित्रों के साथ दृश्य काव्य नाटक पर आधारित एक कार्यक्रम की प्रस्तुति देने का प्रयास कर रहा हूँ। संभव है कोई त्रुटि होगी, क्षमा करेंगे, क्योंकि यह एक नई पहल है। आप देखिए और बाद में मेरी इस नई पहल पर अपनी राय भेजिए। हम शुरू होते हैं। सौम्य, कुलपति ने मुझे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी है। केवल तुम लोगों को ही अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए ठहरा था। इस वर्ष के भावी स्नातकों को अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ाकर मुझे किंचन को गुरुदक्षिणा देनी है। गद्य विधा में नाटक दृश्य काव्य का ज्वलंत उदाहरण है। हमारा हिंदी साहित्य उत्कृष्ट नाटकों से भरा पड़ा है, जिनमें ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक नाटकों का भंडार है। हिंदी तो मन में रची बसी घुली मिली है। विद्यालय परिवार में चल रहे हिंदी पखवाड़ा के अंतराल में हम प्रसिद्ध नाटकों के कुछ महत्वपूर्ण चरित्र के संवादों को अभिनयात्मक रूप में प्रस्तुत करेंगे। जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है, जिसमें मौर्य शासक चंद्रगुप्त काल के भारत के राजनीति, सामाजिक, वैश्विक संबंधों का सजीव चित्रण है। कहा ही गया है, सर्वस्य हित भावः इति साहित्यम्। सातवीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक उड़ीसा में एक के बाद एक विशाल, भव्य और कलापूर्ण मंदिर का निर्माण हुआ, जो आज भी भुवनेश्वर, जगन्नाथपुरी और कोणार्क में तत्कालीन कला के साक्षी रूप खड़े हैं। इनमें से सर्वश्रेष्ठ सूर्य देवता का देवालय कोणार्क में स्थित है। कोणार्क के देवालय के विषय में कतिपय ऐतिहासिक तथ्य विचारणीय हैं। हिंदी के चिर प्रसिद्ध गद्यकार और नाटककार जगदीश चंद्र माथुर को कौन नहीं जानता। भारतीय साहित्य में पैनी दृष्टिकोण वाले जगदीश चंद्र माथुर रचित कोणार्क नाटक का एक अंश प्रस्तुत किया जा रहा है। कोणार्क मंदिर के निर्माण से जुड़े कलाकारों और राजा के बीच का संवाद लेकर हम उपस्थित हैं। इनके तीन प्रमुख पात्र हैं, विशु उत्कल राज्य का प्रधान शिल्पी और मंदिर का निर्माता, धर्मपद एक प्रतिभाशाली युवक शिल्पी, नरसिंह देव वर्तमान उत्कल देश के राजा, जिनकी परम इच्छा है कि कोणार्क में विश्व का सबसे सुंदर सूर्य मंदिर बने। कहा ही गया है, सर्वस्य हित भावः इति साहित्यम्। सातवीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक उड़ीसा में एक के बाद एक विशाल, भव्य और कलापूर्ण मंदिर का निर्माण हुआ, जो आज भी भुवनेश्वर, जगन्नाथपुरी और कोणार्क में तत्कालीन कला के साक्षी रूप खड़े हैं। इनमें से सर्वश्रेष्ठ सूर्य देवता का देवालय कोणार्क में स्थित है। कोणार्क के देवालय के विषय में कतिपय ऐतिहासिक तथ्य विचारणीय हैं। हिंदी के चिर प्रसिद्ध गद्यकार और नाटककार जगदीश चंद्र माथुर को कौन नहीं जानता। भारतीय साहित्य में पैनी दृष्टिकोण वाले जगदीश चंद्र माथुर रचित कोणार्क नाटक का एक अंश प्रस्तुत किया जा रहा है। कोणार्क मंदिर के निर्माण से जुड़े कलाकारों और राजा के बीच का संवाद लेकर हम उपस्थित हैं। इनके तीन प्रमुख पात्र हैं, विशु उत्कल राज्य का प्रधान शिल्पी और मंदिर का निर्माता, धर्मपद एक प्रतिभाशाली युवक शिल्पी,
नरसिंह देव वर्तमान उत्कल देश के राजा, जिनकी परम इच्छा है कि कोणार्क में विश्व का सबसे सुंदर सूर्य मंदिर बने। मैं दिव्यांशु राज, कक्षा 7, नामांकन संख्या 11002। आज मैं एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वो कविता प्रकृति की सुंदरता पर है, तो अभी मैं आपको बोलकर दिखाने वाला हूँ। सूरज निकला गगन में, दूर हुआ अंधेरा, पेड़ों ने ली अंगड़ाई, ठंडी ठंडी हवा चलाई, पक्षियों ने भी नमे छलांग लगाई, हरे बड़े बागानों में रंग बिरंगे फूल खिले, झूलों ने अजब सी महक फैलाई, जिससे वो तितली भंवरों को खींच लाई, रसपान कर सबने फूलों का मौज उड़ाया, देख प्रकृति की सुंदरता को कोयल भी धीमे धीमे गुनगुनाई, रंग प्रकृति का सुंदर हर पल मन को भाए, नभ में कभी बादल तो कभी नीला आसमान हो जाए, रूप तेरा देख कर सब कोई मन मोहित हो जाए, झील नदियाँ मीठा जल पिलाए, पर्वत हमें ऊंचाई छूना सिखाए, प्रकृति हमें सबसे मिलजुल कर रहना सिखाए, रात के अंधेरे में चांद भी अपनी कला दिखाए, सफ़ेद रोशनी से प्रकृति को रोशन कर जाए, तारे भी टिमटिमा के नाच दिखाए, प्रकृति हमें रूप अनेक दिखाती है, एक दूसरे से प्रेम करना सिखाती है, यही हमें जीवन का हर रंग बताती है। धन्यवाद। महामान्य, जान पड़ता है कि बंग देश में हमारी लंबी उपस्थिति के दिनों में राजा चालुक्यों के बिना सोची समझी शिल्पियों से विरक्त हो गई है। हम उनका भ्रम दूर करेंगे। राजधानी लौटने पर शिल्पियों की कुटुंबीय जमीन लौटाने की आदेश दे दी जाएगी। सामंतों के लिए हम दूसरा प्रबंध करेंगे। चालुक्यों को मेरी आज्ञा माननी ही पड़ेगी। चतुर सेवक के समान संसार को जगाकर अंधकार हट गया, रजनी की निस्तब्धता काकली से चंचल हो उठी है, नीला आकाश स्वच्छ होने लगा है, या निद्रा क्लांत निशा उषा की शुभ्र चादर ओढ़कर नींद की गोद में लेटने चली है, यह जागरण का अवसर है। जागरण का अर्थ है कर्म क्षेत्र में अवतीर्ण होना, और कर्म क्षेत्र क्या है? जीवन संग्राम। किंतु भीषण संघर्ष करके भी मैं कुछ नहीं हूं, मेरी सत्ता एक कठपुतली सी है, तो फिर मेरे पिता, मेरी माता, इनका तो सम्मान आवश्यक था, वे चले गए, पर मैं देखता हूं नागरिक तो क्या, मेरे आत्मीय भी आनंद से वंचित रह गए, यह परतंत्रता कब तक चलेगी? मित्रों,